हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर लेसन नंबर 5 फ्रॉम योर बिहाई बुक एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर। बिफोर दिस पहरा वी हैव रीड इन पहरा नंबर 11। बिफोर दिस पैराग्राफ वी हैव ऑलरेडी रीड 10 para of this lesson and we have also read the fourth lesson of this book and this chapter is related to your BHAI book. Those students who are new in this channel, they should subscribe this channel because the subscription will be very helpful to you. You can watch all the videos what I have uploaded on this channel. You should also press the like, comment button also, so that if you press the like button, so we then know that you like the video. And if you press the dislike button, then you should also comment on the comment box why you dislike the video. You should also press the notification bell. If you press the notification bell and press also all option, then you will find all the notification on your mobile when I upload a new video. So you should also press all option in notification bell also. तो प्यारे बच्चों, ये जो चैनल बनाया गया है, ये सभी आप सभी बच्चों की जो भी इंग्लिश है, अथवा किसी भी बच्चों की इंग्लिश जो है वो अच्छी है उसकी, चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, ठीक है। तो ये जो आप चैनल है आप सभी के लिए बनाया गया है। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सभी ने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल डाला जाएगा वो सारे बच्चों की हेल्प के लिए ही डाला जाएगा। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो चाहे 9th के हैं, 11th के हैं, किसी भी क्लास के हैं, तो उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। उस पर ऑल का ऑप्शन दिया होता भाई, उस ऑल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ताकि वीडियोज जब भी अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँच सके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्या करना होता है बच्चों, कमेंट बॉक्स में भाई अगर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट आपने लिख के भेजना होता है, ठीक है। तो उसमें आप अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो। तो आज हम इस लेसन का जो पार्ट नंबर 4 है, तो अभी तक थर्ड पार्ट हम इसके पढ़ चुके हैं, आज जो पार्ट 4 है वो हम इसका पढ़ेंगे। Let us start this part also, part number 11, page number आपका 60, यानी NCERT जो book है आपका उसका page number 60 है ये। No, the doctor said, doctor ने कहा, doctor ने क्या कहा, नहीं। No, the doctor said, God willed otherwise, यानी भगवान की इच्छा कुछ और ही थी, भगवान की जो इच्छा थी वो कुछ और ही थी। तो इससे पहले भाई किसी ने पूछा था कि डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी मोटी है, ऐसा प्रश्न किया था डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने इसके जवाब में क्या कहा था, नो नहीं, गॉड विल यानी भगवान की जो इच्छा थी ना, अदरवाइज यानी कुछ और ही थी, अदरवाइज यानी इसके विपरीत थी भाई। माई लाइफ कंपेनियन, जो मेरी जीवन साथी है ना, यानी जो मेरी पत्नी है, कंपेनियन किसको कहते हैं, कंपेनियन किसको कहते हैं, कंपेनियन होता है अभी साथी, कंपेनियन यानी जीवन साथी, यानी पत्नी को कहा गया है, कंपेनियन किसको कहा गया है भाई, पत्नी को कहा गया है जो डॉक्टर की पत्नी थी। तो इसने क्या कहा, अभी मेरी जो कंपेनियन है, जो मेरी पत्नी है, वो कैसी है भाई, इज ए थिन, वो काफ़ी पतली है भाई, इज ए थिन, थिन मीन्स पतली, एंड रीडी पर्सन, और कैसी है भाई, बहुत ही रीडी यानी दुर्बल है भाई। रीडी किसको कहते हैं, पतली को भी कहते हैं, रीडी मीन्स दुर्बल भी होता है, और रीडी मीन्स क्या होता है भाई, रीडी मीन्स क्या होता है, रीडी मीन्स पतले कोई व्यक्ति को भी कहते हैं, यानी जो मेरी पत्नी है वो कैसी है, रीडी। कंपेनियन कम होता है जीवन साथी, यानी पत्नी को कहा गया यहाँ पर, यानी उसकी पत्नी कैसी है, यानी मेरी जो पत्नी है वो काफ़ी पतली है, और रीडी, रीडी भी पतली को भी कहते हैं और दुर्बल को भी कहते हैं।
विद अ गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। और भगवान ने उसको क्या वरदान दिया हुआ है? स्प्रिंटर का। स्प्रिंटर वो होता है जो तेजी से भागता है। स्प्रिंटर क्या होता है? तेजी से भागने वाला व्यक्ति। जो मेरी पत्नी है ना, वो बड़ा तेजी से भागती है। समवन एस आस्क्ड, किसी अन्य आदमी ने पूछा भाई, समवन एस आस्क्ड, किसी आदमी ने पूछा, डॉक्टर यानी डॉक्टर साहब, व्हेन यू रन, जब आप भागे, डिड द स्नेक फॉलो यू, क्या सांप ने आपका पीछा किया? जब आप भाग रहे थे तो क्या उस वक्त सांप ने आपका पीछा किया? तो किसी ने इन बातों को पूछा। द डॉक्टर अप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन, मैं भागता रहा टिल आई रीड ए फ्रेंड हाउस, जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया, मैं उस वक्त तक भागता ही रहा। इमीडिएटली, तुरंत ही, यानी अपने दोस्त के घर पहुंचते ही, आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल मसला, तेल की मालिश की। समीर का मतलब क्या होता है? समीर का मतलब होता है मालिश करना, ऑयल मीन्स तेल की। तो मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल की मालिश की, एंड टुक ए बाथ, और मैं नहाया, टुक ए बाथ। आई चेंज इंटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने नए कपड़े बदले। आई चेंज इंटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने नए कपड़े चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, यानी सुबह के 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ले गया, एंड वन और टू अदर्स और गया, दो अन्य व्यक्तियों को भी ले गया, टू माई रूम, अपने कमरे पर ले गया, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, ताकि मैं वहाँ से अपना सामान ला सकूँ। बट वी फाउंड, लेकिन हमने ये पाया, बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, यानी हमारे पास ले जाने के लिए तो सामान ही नहीं बचा था, तो वी हैड लिटल टू कैरी, सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, यानी कोई जो चोर था ना, सम थीफ, कोई चोर, हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, मेरी ज़्यादातर चीज़ों को लेकर जा चुका था वहाँ से। द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, यानी जो कमरा है वो पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं किया गया था भाई, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में साफ नहीं किया गया था। तो क्या कहा गया भाई, द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, यानी कमरे की सफाई कर दी गई थी, बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से नहीं की गई थी, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं की गई थी। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, यानी चोर एक चीज छोड़ गया था भाई, एज ए फाइनल इंसल्ट, यानी आखिरी बदनामी के तौर पर, जिसे मेरी बदनामी हुई भाई, जिसे मेरी इंसल्ट हुई, इंसल्ट का मतलब अपमान होना। What was that, वो चीज़ क्या थी? उसके दोस्तों ने पूछा भाई, What was that, वो चीज़ क्या थी? I asked, मैंने पूछा। द डॉक्टर said, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, भाई मेरा बनियान छोड़ करके चला गया। द डर्टी वन, जो काफ़ी गंदा था। द फेलो हैड सच ए सेंस, यानी जो चोर था ना, उसमें इतनी सेंस थी, इतनी समझ थी, ऑफ क्लीनलीनेस, यानी वो सफाई को पसंद करता था भाई। क्लीनलीनेस का मतलब होता है सफाई को पसंद करने वाला। क्लीनलीनेस का कौन होता है? जो व्यक्ति सफाई को पसंद करता हो। द रास्कल, वो जो बदमाश था ना, रास्कल किसको कहते हैं भाई? बदमाश को। द रास्कल, वो जो बदमाश व्यक्ति था, वो जो चोर था, कुड हैव टेकन इट, वो इसको ले जा सकता था, एंड यूज इट, इसको यूज भी कर सकता था, आफ्टर वॉशिंग इट, इसको धोने के बाद में, विद सोप, साबुन से, एंड वाटर, पानी से, इसको पानी और साबुन से धोने के बाद भी वो इसको यूज कर सकता था, वो इसको भी लेके जा सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, अब किसी आदमी ने उसे पूछा, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन भी आपने सांप को देखा डॉक्टर साहब, क्या अगले दिन भी आपने सांप को देखा? तो जहाँ पर वो अपनी कहानी सुनाने लग रहा था, तो वहाँ पर उनमें से किसी एक ने पूछा उससे कि डॉक्टर साहब, क्या उसके बाद भी सांप को दिखाई दिया? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, भी तब से मैंने सांप को नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक, ये एक ऐसा सांप था, विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता से आकर्षित हो गया था। विच वॉज टेकन, टेकन मीन्स आकर्षित होना, विद इट्स ऑन ब्यूटी, जो अपनी ही सुंदरता से आकर्षित हो गया था। तो इसके ऑथर कौन है भाई? इसके राइटर कौन है? वैकम मोहम्मद बशीर, वैकम मोहम्मद बशीर। तो ये कौन है? ये इसके राइटर हैं। और ये जो लेसन ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम, तो ये मलयालम भाषा से इसका ट्रांसलेट किया गया, इसका अनुवाद किया गया है भाई, किसके द्वारा? वैकम अब्दुल्ला के द्वारा भाई, ठीक है। तो वी अब्दुल्ला के द्वारा इसका वो क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये जो लेसन है, जो अभी ये पार्ट लास्ट पढ़ा है, या इससे पहले भी जितने पार्ट पढ़े हैं, तो वे सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है,
तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लेकर के भेज सकते हो, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब किसी बच्चे ने नहीं किया है तो बच्चा सब्सक्राइब कर ले आइए। जो सब्सक्राइब करते हैं ना बच्चे, जो सब्सक्राइब बटन होता है, तो इस पर सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लिया जाता, नहीं मंथली कोई पैसे करते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये सिर्फ आपके फायदे के लिए है भी, आप जो है पूरी जितनी भी वीडियोज अपलोड की जाती है वे सारी की सारी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।